आत्माराम, आज तुम्हारे स्टूडेंट की शादी में तुम्हारा वट पड़ने वाला है, क्या लग रहे हो? गलती ले ही लेता हूँ मैं। अरे माधवी, तुम तैयार हुई कि नहीं? अरे लेट हो रहा है, मुझे नीचे सुविचार भी लिखने जाना है। हाँ, झाले झाले तैयार। पता है ना विजय ने क्या कहा है? हाँ मुझे पता है, जब तक आप उसको आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक वो शादी के लिए रेडी नहीं होगा। देखा माधवी, मेरे विद्यार्थी मेरा कितना सम्मान करते हैं, और जो विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनका जीवन में हर जगह सम्मान होता है। खैर, और आप आज भी अपने गुरु का कितना सम्मान करते हैं, इसीलिए गुरु को भी अपने विद्यार्थी को आशीर्वाद के लिए वेट नहीं कराना चाहिए। इसलिए सोनू को जल्दी बुलाओ, निकलते हैं। हाँ वो आ रही है तैयार होके, आप तब तक मुझे ये गजरा लगा के दीजिए ना। अच्छा ठीक है। दोरा कुड़े से बांधू कसा? ओ अच्छा। उधर आहा लग गया। हाँ कैसे लग रही हूँ? ऐसा लग रहा है कि मैंने फूल पे फूल लगाया है। कहीं तेरी चुकता है? ए सॉरी, फूल पे फूल लगाया है। एकदम ब्यूटीफुल लग रही हो, गुलाब का फूल लग रही हो। थैंक यू। आई देखना है, झुमका बरोबर से जा ही नहीं रहा है। पीका एक मिनट। हाँ लग। थैंक यू। ये आ गया मेरा चमेली का फूल। और आप लग रहे हैं गेंदे का फूल। अरे वाह, ये तो फूल फैमिली हो गई। और ये हो गया गुलदस्ता कंप्लीट। बाबा गुलदस्ते से याद है, मैं विजय दादा के लिए रास्ते से गुलदस्ता लेकर जाना है। हाँ तो ले लेंगे, उसमें क्या है। अभी ना मुझे इन दो फूलों को ऐसे फील करने दो, आओ। हाँ 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 हाँ, ऐसा लग रहा है ना इस समय थम सा गया है। तुम दोनों ना अभी मेरी दिल की धड़कनें एंजॉय करो। बाबा क्या आपके दिल की धड़कनों की आवाज टप टप क्यों आ रही है? तुम्हें भी आ रही है? मुझे भी आ रही है, कमाल है। धड़कनों की धक धक नहीं है, नल का टप टप है, किचन में लीकेज है। अच्छा लीकेज में वेस्ट होता है पानी। अहो, अरे आहो आहो आइका। माधवी कितना पानी वेस्ट हो रहा है, बूंद बूंद जा रहा है। माधवी बूंद बूंद से सरोवर बनता है, हमें इतना भी पानी वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। अरे हमारे देश में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पीने के लिए इतना भी पानी नसीब नहीं होता। हमारे जमाने में चो, आपके जमाने में जाएंगे ना तो शादी में लेट हो जाएगा। हाँ तो भले ही लेट हो जाए, हम पहले नल रिपेयर करेंगे उसके बाद शादी में जाएंगे। मैं प्लम्बर को फोन करके बुला लेता हूँ। आपको याद है ना विजय ने क्या कहा है, आपके आशीर्वाद के बिना वो शादी के लिए रेडी नहीं होगा। हाँ याद है, लेकिन कोई बात नहीं, शादी में भी थोड़ा टाइम है। प्लम्बर फटाफट आ जाएगा, रिपेयर करेगा और चला जाएगा। हम जब शादी में जाएंगे वहां से आएंगे तब तक कितना पानी वेस्ट हो जाएगा। आ जाएगा फटाफट, देखना अभी। आपका फोन है? फोन? हाँ विजय भाई बोलिए। हाँ भोलाराम प्लम्बर बात कर रहा है। अरे आपने प्लम्बर को फोन किया है तो मिस्त्री तो बात करेगा नहीं। हाँ भोलाराम, बात यह है कि हमारे किचन के सिंक के नल में ना लीकेज है, तो फटाफट आके जरा रिपेयर करके जाओ ना। अरे आज नहीं आ सकते, आज हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। अरे यहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है भोलाराम, इससे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? वो क्या है ना, आज हमारी पहली शादी की सालगिरह है। पहली शादी की? अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब था कि शादी की पहली सालगिरह है। अरे वाह, अभिनंदन अभिनंदन भोलाराम। थैंक यू सो मच विडे भाई। लेकिन क्या है ना, दो मिनट का काम है, तुम फटाफट के काम करके चले भी जाओगे। अरे विडे भाई आप समझिए, हमारी शादी की नैया हमारी शादी की सालगिरह पर टिकी हुई है। हम पूरा दिन काम में बिजी रहते हैं, समय ही नहीं मिलता। तो हमने अपनी पत्नी से वादा किया है कि आज का पूरा दिन हम उसके साथ रहेंगे। अगर हम अभी आपके यहाँ आ गए ना तो रूठकर मैके चली जाएगी।
अरे ऐसे कोई पत्नी मायके नहीं जाती रे, सिर्फ धमकी देती है। देखो बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे एक जमाना था जब सच्चा प्लम्बर पानी के लीकेज के बारे में सुनते ही आधी रात को भी उसको रिपेयर करने के लिए दौड़ के आता था। सृष्टि में जहां जहां पानी व्यर्थ हो रहा है उसके एक एक बूंद को बचाना अपना फर्ज समझता था। पानी के लीकेज के बारे में सुन के तुम्हें दुख नहीं हुआ भोला राम? जरा सोचो भोला राम, तुम अगर अभी के अभी आकर इन पानी की बूंदों को व्यर्थ होने से बचाओगे ना, तो साक्षात जल देवता तुम पे प्रसन्न होंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। फिर तुम्हारी शादी की ये सालगिरह क्या, आने वाली कई सालगिरह तुम अच्छे से मना पाओगे। भोला राम रख दिया आपका भाषण सुन के। भोला राम। हाँ भीड़ भाई, मैं आ रहा हूं, मैं बचाऊंगा पानी। तो तुम जरा फटाफट आ जाना क्योंकि हमें शादी में भी जाना है। हाँ भीड़ भाई, मैं अभी आता हूँ। हाँ ओके ओके ओके, देखा आ रहा है ना। ऐसा मना लिया कौन मना करेगा। अभी जब तक प्लम्बर आता है तब तक मैं स्विचर लेके आता हूँ। अरे बाबा भी ना है? नहीं, कितना ख्याल रखते हैं आप, पानी वेस्ट ना हो इसका। रखना पड़ता है, ये बड़ा बेटा है। तुम्हें भी आज ही टपकना था। नको नको नको। नहीं दीपा। प्यारी सुषमा, मुझे ना छोटा सा काम आ गया है, गोकुलधाम सोसाइटी जाना है। ये क्या, आज के दिन तो ना बोल देते। अरे मेरी प्यारी सुषमा तुम टेंशन मत लो, मैं यूं गया और यूं आया। वाह, जल ही जीवन है। गुड मॉर्निंग अरे, गुड मॉर्निंग कर रहे हो क्या, डरा रहे हो? अरे वाह भीड़ अंकल, आप तो एकदम मस्त लग रहे हो। हाँ, थैंक यू। आप कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, मैं मेरे पुराने स्टूडेंट की शादी में जा रहा हूँ। पुराने जमाने का स्टूडेंट? ये गोया, पुराने जमाने का नहीं हो, पुरानी बैच का स्टूडेंट है। भीड़ अंकल, सोनू भी साथ में आ रही है। तू लगा क्या रहा है? मत बताइए, मैं सोनू से ही पूछ लेता हूँ। सोनू सोनू सोनू, कुछ जरूरत नहीं है, सब जा रहे हैं, तुम ये स्विचर पढ़ो। जल ही जीवन है। वाह क्या बात है, इसमें वाह क्या, भिड़े अंकल ये तो सबको पता है। जानते सब एक गोला, लेकिन मानता कोई नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग जब बाहर जाते तो पानी की बोतल लेते, आधा पानी पीते और आधा पानी फेंक देते। हाँ ये बात तो है। बस अरे हमारे जमाने में औरतें पानी भरने के लिए तालाब तक नदी तक पैदल चल के जाती थी और पानी भर के लाती थी, एक एक बूंद की कीमत होती थी। बिल्कुल सही कहा भीड़ अंकल आपने, हमें पानी की वैल्यू करनी चाहिए। अरे तुम लोग सिर्फ बोलते हो, करता कोई नहीं है। अरे पानी की वैल्यू तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। भीड़ अंकल आपकी बात बिल्कुल सही है, आइए आराम से बैठ के बात करते, क्योंकि क्या है आपके जमाने की बात है, लंबी भी होगी। चलो चलो बैठ के बात करते। रुको, क्या बैठ के बात करते, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तुम खड़े खड़े बात करते। भीड़ अंकल मैंने सुना है कि आपके जमाने में लोगों की हाइट 20-20 फीट हुआ करती थी। उत्तरे हाँ, क्या बोल रहा है गोली, भीड़ अंकल थोड़ी ना 20 फीट के है, इतने भी पुराने जमाने के नहीं है भीड़ अंकल। तो भीड़ अंकल वैसे आप कितने पुराने जमाने के हो? हाँ बताइए ना भीड़ अंकल। ओ टप्पू सेना, मेरे साथ मस्ती कर रहे हो? नहीं नहीं भीड़ अंकल, हम सच में पूछ रहे हैं, अब बताइए ना आपके जमाने के बारे में। हाँ। नहीं गोली, भीड़ अंकल ने बताया ना कि उन्हें बाहर जाना है, उन्हें लेट हो रहा है। एक काम करते हैं, भीड़ अंकल से ट्यूशन लेते हैं रोज 1 घंटा, वो अपने जमाने के बारे में बताएंगे पढ़ाएंगे। बताइए ना भीड़ अंकल, कल कितने बजे आए? ये आ गओ, टाइम पास बहुत हो गया अभी। हे बाबा, आहो सुविचार लिख के हुआ कि नहीं? माधवी आंटी, भीड़े अंकल हमें उनके जमाने की बातें सुना रहे।
बताइए बताइए। क्या कल्याण, और कहां आप आपके जमाने की बातें सुनाने बैठ गए। आइए ना जल्दी से। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। एक गोया तुरंत अंतर भक्तों में। क्या लौकर। आ रहा हूँ। बोला राम कहाँ रह गए भाई। कितनी देर लगा दी आपने। पापा मैंने कवर बना दिया। अरे सुनो बड़ा, हमें सिर्फ कवर नहीं देना है, इसमें पैसे भी रखे हैं। तसे नहीं बड़ा, बताता हूँ रुको। कवर के साथ साथ हमें उसे ये भी देना है। बुक? बाबा आप बुक दे रहे हो? स्कूल की कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थोड़ी है। अरे ये पढ़ाई की बुक नहीं बड़ा, देखो इस पे क्या लिखा है। इम्प्रूव पावर ऑफ लिसनिंग, सुनने की क्षमता बढ़ाए। पापा विजय दादा को सुनने में प्रॉब्लम है? ए, नहीं नहीं, वो तो एकदम फिट है। तो ये बुक क्यों? क्या उसकी अभी शादी हो रही है ना, तो इस बुक की उसको जरूरत पड़ेगी। मुझे नक्की क्या कहना है आपको? बीवियां सिर्फ बोलती रहती है। नहीं ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सच है। ओहो, तो फिर पूरा दिन माधवी चाय लाओ, माधवी पानी लाओ, माधवी हमारे जमाने में ऐसा, माधवी हमारे जमाने में तैसा वैसा, ये कौन सुनता है? वही तो, कौन सुनता है? अरे हमारे जमाने में पत्नियां पति की हर बात सुनती थी, कभी इस तरह से सामने से जवाब नहीं देती थी। आपके जमाने में पति भी वैसे होते होंगे, और वैसे भी वो जमाना गया। अभी पत्नियां बोल सकती है, और सिर्फ घर में पति के सामने नहीं, टीवी में, न्यूज में, हर विषय पे, जहां जहां जरूरत पड़े वहां बोल सकती है। टीवी न्यूज, अरे कहां की बात कहां लेके जा रही हो तुम? तो ये बुक देके आप क्या साबित करना चाहते हैं? माधवी ये बुक सिर्फ विजय के लिए नहीं है, उसकी पत्नी के लिए भी है। दोनों अभी शादी के रिश्ते में बनने जा रहे हैं, अगर उन दोनों को शादी के रिश्ते को अच्छे से निभाना है तो उन दोनों को एक दूसरे को सुनना बहुत जरूरी है। जब तक वो एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, वो एक दूसरे को समझेंगे नहीं। मस्त कवर किया। इसको कवर क्यों नहीं किया? वैसे मैं बरोबर बोल रहा हूँ सुनू बड़ा। एकदम बरोबर है बाबा। अभी किसी किसी घर में ऐसा होता है कि कोई एक बोलता है, कोई बेचारा सिर्फ सुनता ही है, तो उसे भी ये किताब पढ़नी चाहिए। इसकी दूसरी कॉपी कहाँ मिलेगी? तुम्हें क्या जरूरत है माधवी, तुम तो सुनती हो ना। आपके लिए खरीदना चाहती हूँ। ये प्लम्बर कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया? वो आपके प्लम्बर के इंतजार में शादी का समय बीत जाएगा। अरे लेकिन नल ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो कितना पानी वेस्ट हो जाएगा। देखो अभी भी वो टप 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 आवाज आ ही रही है ना, मेरे ख्याल से हम लोग वेट करते हैं। क्या है ना माधवी, अगर हमने अभी पानी वेस्ट जाने दिया ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ी एक बूंद पानी के लिए भी तरसेगी। आप एक काम कीजिए ना, फटाफट जरा प्लम्बर को फोन कीजिए ना, पूछिए कहाँ पहुँचा है वो। अरे कितनी बार करूँ, 2-3 बार तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये भीड़े भाई भी ना। हाँ भीड़े भाई। हेलो भाई भोला, कहाँ रह गए तुम, अभी आता हूँ बोल के। आ रहा हूँ भिड़े भाई, आपके चक्कर में सुबह सुबह पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे चक्कर में मतलब? हाँ, चालू स्कूटर में फोन उठा लिया, इसलिए 200 रुपए का चूना लग गया। तो चालू स्कूटर में फोन क्यों उठाया? क्या करूँ भिड़े भाई, आप बार बार फोन कर रहे हो तो उठाना तो पड़ेगा ना। चलिए अभी आप फोन रखिए, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आओ। विजय का फोन आ रहा है, क्या बोलूँ? बोलिए उसको, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, किचन के नल में लीकेज है। हाँ हेलो, लीकेज? लीकेज? विजय, सर यहाँ। बोलो विजय, कहाँ हो? सर आप कहाँ पर हो? मैं घर पे हूँ, बस निकल ही रहा हूँ। सर अभी तक आप निकले नहीं? क्या है बेटा? देखिए सर, आपसे मैंने पहले भी कहा था, जब तक मैं आपका आशीर्वाद नहीं ले लूंगा, मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तुम बेटा? सर मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, आप आकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए बस। ये तो बात सुनी ही नहीं। बुक दे रहे हो ना आप, सुनेगा वो। माधवी मिकाय मिनटे, आप प्लम्बर को फोन करके बोल दीजिए कि अभी ना आए, हम लोग शादी से वापस आएंगे ना घर, उसको फोन करेंगे तब आए। माधवी मैं पानी को ऐसे ही वेस्ट होने नहीं दे सकता, जब तक नल रिपेयर नहीं होगा हम लोग नहीं जाएंगे।
पानी बचाने के चक्कर में समय वेस्ट हो रहा है। देखिए माना जल जीवन है, लेकिन समय भी मूल्यवान होता है। हाँ बाबा, ये आप ही का सुविचार है। अरे दो सुविचारों के बीच फंस गया हूँ मैं, पानी बचाऊं के समय बचाऊं। मिका मिंटे, किसी को हम घर की चाबी दे देते और कहते हैं कि प्लम्बर आएगा तो उससे प्लीज जरा किचन का नल ठीक करवा लेना। हाँ ऐसे करेंगे तो पानी और समय दोनों बच जाएगा। हाँ ये आइडिया अच्छा है, लेकिन किसको बताया जाए? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओहो आओ वो बढ़ाओ। ओहो क्या बात है भाई, बड़े फैमिली इतनी सज धज के कहाँ जा रही है? हाँ शादी में जा रहे। किसकी शादी में? मेरा मतलब है किसकी शादी में? मेरे स्टूडेंट की शादी है। बाल विवाह? अय्या नहीं नहीं, ये बाल विवाह का है, मतलब पुराना स्टूडेंट है, अभी वो 24 साल का है। 24 साल में शादी कर रहे हैं? इसी उम्र में जनरली शादी हो जाती है लोगों की। बाय द वे पोपट अंकल, आपको पता है विजय दादा ने कहा है कि जब तक बाबा उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक वो शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा फिर तो आप लोग खड़े क्यों है, जा क्यों नहीं रहे? अरे यहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है ना पोपटलाल। पानी वेस्ट हो रहा है मतलब? क्या है हमारे किचन का जो नल है ना उसमें लीकेज है, प्लम्बर को फोन करके बुलाया बस आता ही होगा। अरे तो जो समय पानी की तरह वेस्ट हो रहा है उसका क्या? निर्दयी? निर्दयी? और नहीं तो क्या, कोई अपनी शादी के लिए तेरे आशीर्वाद के इंतजार में वहाँ खड़ा है और तू यहाँ प्लम्बर के इंतजार में खड़ा है? वैसे तो समय को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। याद रख भिड़े, जो समय की कदर नहीं करता ना समय उसकी कदर नहीं करता है। अरे कम से कम उसकी शादी तो समय पर होने दे। हाँ पोपट भौजी, एक्चुअली हम लोग वही सोच रहे थे कि किसी को चाबी दे देते हैं और कहते हैं कि प्लम्बर से ये काम थोड़ा करवा लो। किसी को? अरे माधवी भाभी, आपका भाई यहाँ पर खड़ा और आप कह रही किसी को? अरे आप लोग बिंदास जाइए, मैं काम करवा लूंगा। अरे भाई किसी की शादी का सवाल है। और भिड़े मेरा तुझसे एक सवाल है। हाँ? ये प्लम्बर कब आने वाला है? तो क्या है ना मुझे भी कहीं जाना है अर्जेंटली। अरे वो कब का निकल चुका है, बस 5 मिनट में पहुंचता ही होगा। हाँ? तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं काम करवा लूंगा। पक्का ना? अरे पक्का मतलब पत्रकार की जबान है, आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। अरे वाह वाह वाह, तो एक काम करना, जैसे ही लीकेज रिपेयर हो जाता है ये दरवाजा खींच लेना, उसको लॉक कर देना, ये रही चाबी, ठीक है? पोपट भौजी थैंक यू सो मच। हाँ इसमें थैंक यू क्या माधवी भाभी, किसी की शादी नहीं रुकनी चाहिए। वैसे आप किस काम के लिए आए थे? अरे हाँ तो आज एनिवर्सरी है ना। आपकी शादी कब हुई? शादी की नहीं वो हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस की आज एनिवर्सरी है। अच्छा तो मेरे बॉस ने इस साल भी मेरे काम से खुश होकर मुझे कहा है कि आज के स्पेशल सेलिब्रेशन की जो केक कटिंग है वो मेरे हाथ से होगी। और पता है आज का ड्रेस कोड जो है ना वो है हरा कुर्ता। तो भिड़े तेरे पास अगर कोई हरा कुर्ता हो तो जरा मुझे देगा। ओ देखो ओपट होके हरा कुर्ता नहीं है इसके पास। ए भिड़े मेरे पास हरा कुर्ता है, लेकिन क्या है ना वो बहुत पुराना हो गया है। और क्या आज का एक स्पेशल फंक्शन है तो कोई अच्छा कुर्ता पहनूंगा तो अच्छा लगेगा ना, इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है अभी लेके आता हूँ। लेकिन पोपट भाई जी इनका कुर्ता आपको थोड़ा लूज नहीं होगा? अरे नहीं नहीं माधवी भाई, क्या है कुर्ते के ऊपर मैं कोटी पहनने ही वाला हूँ तो थोड़ा खुलता हुआ कुर्ता होगा तो भी चल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा वो ठीक है। पोपट लाल ये कुर्ता चलेगा? अरे चलेगा क्या भाई, दौड़ेगा। थैंक यू भिड़े। हाँ हाँ एक मिनट, लेकिन ध्यान रखना कुर्ते पे दाग नहीं लगना चाहिए। अरे भाई मैं कुर्ता पहनकर कुश्ती करने थोड़ी जा रहा हूँ, हम तो वो है जो शब्दों से कुश्ती लड़ते हैं। हाँ लेकिन कुश्ती करते हुए देखना ये कुर्ते को खून ना लग जाए। मतलब? नहीं मतलब क्या है, अगर तुम पेन रखोगे कुर्ते में और उसका लीकेज हुआ तो स्याही लग सकती है ना। ए भिड़े भाई हम पत्रकारों की पेन कभी लीक नहीं होती है, तू लाना भाई दे, तुझे देना है कि नहीं देना है? देना है देना है, वो गलती से हो गया। ये तुम्हारा कुर्ता रखता हूँ यहाँ पे रख। चलो 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 चलो। जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। भेड़े सिर्फ सुविचार लिखता नहीं है बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाता भी है।
एक तरफ उसे शादी में जाने में देर हो रही है तो दूसरी तरफ पानी वेस्ट हो रहा है। पोपटलाल ने उत्साह के साथ नल ठीक करवाने की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन उससे भी तो सेलिब्रेशन में टाइम पर पहुंचना है। पोपटलाल आया था कुर्ता लेने, लेकिन पड़ गए लेने के देने। क्या पानी बचाने के लिए रुका पोपटलाल खुद किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगा? क्या होगा, क्या भोलाराम टाइम पर आएगा? दोस्तों, गोकुलधाम में जो भी होता है हंगामे के साथ होता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा ठीक है नल, पता नहीं, लेकिन आपको हंसी आएगी खूब कल। दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।